अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आज मैं डॉक्टर फैज़ान, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक हैं आप सब? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा। डॉक्यूमेंट GPT हमने बनाने की कोशिश की और ये देखा कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों थी, और जिस तरह के हमारे पास ये लेक्चर स्लाइड्स हैं, ये वाली इस पर आ जाए बस, जो हमने ये वाली लेक्चर। अच्छा जी, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। तो आप हम ये करने की कोशिश क्यों कर रहे थे कि हमारे पास जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनका मसला ये है कि वो हेलुसिनेट करते हैं, चीज़ों को ठीक तरीके से सम टाइम फैक्चुअल नहीं बताते, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं सम टाइम। सही भी बता सकते हैं लेकिन क्या है कि वो कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो सकते हैं। आपको ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये एक प्रॉब्लम होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, ये एक प्रॉब्लम है। तो उसको हमें ऑथेंटिकेट करने के लिए हम करते ये हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में से कोई चीज़ अगर हम देखें तो हमें पता होगा कि ये इन्फॉर्मेशन अब कहाँ से आ रही है। ठीक है, अगर आपके यूज़र ने क्यूरी कर दी है और वो क्यूरी जो है ऐसी है कि उसको GPT जो है उस तरीके से वैलिडेट नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट ठीक करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट कोई ना कोई अपलोड करते हैं और कहते हैं जी इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ें और इसके मुताबिक कॉन्टेक्स्ट सेट करें और लार्ज लैंग्वेज मॉडल से फिर आपको डेटा मिलता है उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक। कल हमने ये पढ़ने की कोशिश की है कि हम डॉक्यूमेंट GPT बना सकते हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर शिराज ने बताया था कि किताबों से हम बातें कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हमने कई चीज़ें देखी थी जिनमें से पहली चीज़ ये थी कि हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट कितने भी वर्ड्स का हो सकता है, कितने भी पेजेस का हो सकता है। तो ये लास्ट लेक्चर की रीकैप जनाब मैं आपको करवा रहा हूँ। उसमें हम कर ये रहे थे कि हमने ये देखा था कि एक टाइम में कितने चंक्स हम ले सकते हैं, कितने वर्ड्स हम ले सकते हैं। तो जो कोई बताएगा, किसी को लास्ट लेक्चर याद है कि कितने चंक्स, कितने वर्ड्स जो है एक टाइम में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम दे सकते हैं? 3000। जी बिल्कुल, तो 3000 से हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा और कम कर दें तो क्या होगा। तो हमने वो चंक बाय चंक डाटा को स्टोर किया होता है और एक चंक जो है हमारे पास 3000 वर्ड्स का होता है और चंक आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जहाँ एक चंक ख़त्म होता है कंटिन्यूसली दूसरा चंक वहाँ से शुरू हो जाता है और उनका आपस में रिलेशन होता है। तो उन्होंने चंक जो है हमने स्टोर किए होते हैं काफ़ी सारे सिक्वेंशल में, ठीक है, सिक्वेंस के तहत। और उसके बाद हमने इम्बेडिंग्स देखी कि इम्बेडिंग्स क्या होती हैं, तो वो भी हमें बताया गया लास्ट लेक्चर में कि ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को हम मशीन रीडेबल टेक्स्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं जी हमने इम्बेडिंग कर ली, हमने वेक्टर बना लिए। और वो वेक्टर जैसे कि कल एग्जांपल दी गई कि नाइस और गुड जो है वो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, तो वो दोनों की दोनों लफ्ज़ों को वेक्टर्स इस तरह से बनाया जाता है कि हमारे पास वो इकट्ठे होते हैं एक ही जगह, ताकि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को परेशानी ना हो। तो इसी तरह से इम्बेडिंग्स हमने पढ़ी, फिर इम्बेडिंग्स को लोड कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना था, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर का एजेंडा ये है कि हमें हारिस भाई जो हैं वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ आपको कोड करके दिखाएंगे कि किस तरीके से कोड हो सकता है, किस तरीके से हम जो है अपना डॉक्यूमेंट दे के GPT को उस डॉक्यूमेंट में से सवाल जवाब कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट का या बुक से या किताब से बात कर सकते हैं हम। तो आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक थ्योरेटिकली क्लियर होगा। प्रैक्टिकली आज हम देखेंगे, मैं भी और हारिस भाई भी, किस तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आंसर के लिए हम ओपन हैं। मीनवाइल हारिस भाई, आप जो है वो अगर कुछ ऐडअप करना चाहते हैं तो कुछ ऐडअप करें और कोड शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं क्योंकि हमने कोड करना है तो कोड करने से पहले आप लोगों को हमेशा हम लोगों ने एक चीज़ ये बताई है कि कोड करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि कोड करना क्या है वो आपको बताओ। ठीक है, तो कोड जो चीज़ आपने करनी है उसका पहले आपको एक स्ट्रक्चर पता हो, उस स्ट्रक्चर का फ्लो पता हो कि वो फ्लो किस तरीके से चलेगा। पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को हम स्प्लिट करेंगे, डॉक्यूमेंट को हम, मैं आप लोगों के सामने एक क्विक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ इस वजह से कि हम कोड में जाने से पहले जो बच्चे जिन्होंने हमारा लास्ट लेक्चर सुना है या आज जिन लोगों ने हमें फ्रेश ज्वाइन किया है उन, वो हमारे साथ लिंक्ड हो जाए। ठीक है, और आप लोगों के भी ये चीज़ रिवाइज हो जाए ताकि कोड में हमारा जो है वो और आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा इनिशियली, डॉक्यूमेंट को हम चंक्स में तोड़ेंगे। चंक्स में क्यों तोड़ रहे हैं कि हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी है। हम OpenAI का चैट GPT 3.5 टर्बो यूज़ कर रहे हैं, हम इसकी जगह बड़ा मॉडल भी कोई यूज़ कर सकते,
चैट जीपीटी 4 यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी 3.5 टर्बो की एक वेरिएशन है 16K की। 16K मीन्स कि उसकी जो टोकन लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, 16K तक है, 16,000 टोकन्स की लिमिट है, विच रफली मीन्स कि आप 14,000 वर्ड्स के करीब करीब उसको इनपुट तक वो काम कर सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी होगी, वो ज़्यादा काम अच्छा कर सकता है। तो उसके अंदर स्प्लिटिंग आप ज़रा, आपके पास लेवरेज होता है कि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से बड़े बड़े चंक्स बना सकते हैं। आप चंक्स बनाते हैं, चंक्स बनाना हम देखेंगे। चंक्स बनाने के बाद आप लोगों को जो एक बॉक्स पर नज़र आ रहा है कि चंक्स से हम लोग क्या करते हैं, उन चंक्स की इम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं। तो इम्बेडिंग्स का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास, हमने आपको स्लाइड्स के अंदर ये देखे मेंशन किया हुआ है कि कुछ हगिंग फेस के मॉडल्स यहाँ पर मैंशन है जो आपकी इम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्योंकि स्लाइड्स में हमने मेंशन किया था कि आपके पास फ्री ऑप्शंस भी हैं, आपके पास ओपन एआई वाली जो ऑप्शंस हैं वो भी हैं। ओपन एआई वाली क्योंकि इम्बेडिंग्स अच्छी होती हैं, उनका जो वेक्टर का साइज है वो बड़ा है, इसका मतलब यह है कि वो हमें जो रिस्पांस है उनका, जो उन जो जवाब है वो अच्छा आएगा। लेकिन हम क्योंकि हमारे पास हगिंग फेस जैसी नेमत मौजूद है, वहाँ पे लोगों ने अच्छे अच्छे मॉडल्स बना के रखे हुए हैं, तो उन मॉडल्स को हम यूज़ करेंगे। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वो मॉडल आपने किस तरह से यूज़ करना है। जिस तरह हमने पाइपलाइन चलाई थी, आप लोगों को याद हो तो बहुत ही ईजी टू यूज़ है हगिंग फेस को यूज़ करना। उसके साथ हम लोग ये जो वैक्टर स्टोर्स हैं, वैक्टर स्टोर्स को रिवाइज कर लेंगे। वैक्टर स्टोर्स को हम वैक्टर डाटा बेस भी कहते हैं। वैक्टर डाटा बेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट था उसके चंक्स बनाए थे, उन चंक्स को हमने इम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया था। उन इम्बेडिंग्स वेक्टर्स को हम किस में स्टोर करते हैं, वेक्टर डाटा बेस में। ठीक है, स्लाइड्स में मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि डाटा बेस है क्या। हमने आप लोगों से एक जो हम जब हम फर्स्ट टाइम कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आपको चीज़ें बताई थी कि सिंपल वेरिएबल्स होते हैं आपके कोड में, देन आपके पास सेशन वेरिएबल्स होते हैं। सेशन वेरिएबल्स आप क्लाइंट साइड पे भी स्टोर कर सकते हैं, आप सर्वर साइड पे भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर परमानेंटली डाटा को स्टोर करना है सिक्योरली, तो आप क्या करते हैं, डाटाबेस का यूज़ करते हैं। लेकिन वो कन्वेंशनल डाटाबेसेस होती हैं जिसके अंदर रिलेशंस बने होते हैं, टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता है। जिस तरह का हमने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जिस तरह का हमने डाटा विजुलाइजेशन के अंदर कॉलम्स के अंदर डाटा देखा था, इस तरह का डाटा वो नॉर्मल जो डाटाबेसेस है वो कर सकती हैं। यहाँ पे फिर मैंने वेक्टर डेटाबेसिस के अंदर हम वेक्टर्स को स्टोर करते हैं। उस वेक्टर्स में क्या होगा, उस वेक्टर का उस इम्बेडिंग का वेक्टर होगा, उस वेक्टर का कंटेंट उसके साथ मौजूद होता है जो हम मैच करेंगे और हमें स्क्रीन पे वो शो करके दिखाएगा कि ये आपका रेलिवेंट वो है। वेक्टर डेटाबेसिस की आपको डिफरेंट वेरिएशंस दिखाई है कि हमारे पास फाइस है, इलास्टिक सर्च है, क्रोमा डीबी है और क्यूड्रांट है, पाइनकॉन है। ये तमाम चीज़ें आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लोर करके भी दिखाऊं वेबसाइट खोल के, कि आप लोग किस तरह से आप लोगों ने जाना और यूज़ करना है। देन उसके बाद हमारा एक सिमिलैरिटी सर्च वाला कॉन्सेप्ट आया था। सिमिलैरिटी सर्च क्या है कि आप लोगों ने जो क्यूरी करनी है यूज़र ने, उस क्यूरी ने बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ आप उस डॉक्यूमेंट में से फैच करके लानी है। तो वो फैच किस तरह से करके लाएगा कि क्यूरी का एक वैक्टर बनेगा, वो वेक्टर वेक्टर डेटाबेस में से जाके तमाम वेक्टर्स में से मैच होगा कि कौन सा इसके बिल्कुल करीब है। ठीक है जी, आपको मैं ये बता रहा था कि जी इम्बेडिंग्स बनती हैं। ठीक है, इम्बेडिंग्स के बाद आपने उन इम्बेडिंग वेक्टर्स को डेटाबेस में स्टोर करना होता है, उसके लिए हम वेक्टर डेटाबेसिस यूज़ कर रहे होते हैं। वेक्टर डेटाबेसिस के अंदर आप लोगों का हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन है जो मैं स्लाइड्स पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास थोड़ा सा डेटाबेस समझा दें। वो डेटाबेस में वो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि इसमें डेटाबेस होता है जनाब जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हो जो भी चीज़, और थोड़ा सा आप देखें डेटाबेसेस हम वेयर डेटा रिजाइड्स, कि डेटा आपने रखा कहाँ हुआ है। ठीक है, और होता क्या है कि आपने डेटा को बड़े तरीके से सलीके से सीक्वेंस में रखा होता है, ताकि आप जितना एहतियात से वहाँ पर डेटा आपने रखा होता है उतने एहतियात से देखें। अगर एक चीज़ को आप ठीक तरीके से रखेंगे तो रिट्रीव भी उसको जब वापस निकालेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आपने उसको बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर किया होता है। अगर कहीं भी आपने अपना डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर रखा है तो उसको हम कहेंगे डेटाबेस। ठीक है, वैसे नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में भी कर दें तो डेटाबेस ही कहलाएगा। डेटाबेस मतलब जहाँ पे डेटा आपने रखा हुआ है। ठीक है जी, इस वर्ड का किसी ने मतलब पूछा हुआ था। जी हर्ष भाई कंटिन्यू। उसके साथ
डिफरेंस आप लोगों को हम बता रहे थे कि नॉर्मल डेटाबेस होती है उसके साथ यहाँ पे हम क्योंकि वेक्टर्स बना रहे हैं, मैटिंग्स बना रहे हैं, तो स्पेशल डेटाबेसेस हैं जिनको हम वेक्टर डेटाबेस कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वेक्टर, ठीक है, और उस वेक्टर की इम्बेडिंग्स, इम्बेडिंग्स में क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी जो टेक्स्ट हमारे लिए रीडेबल है, हम उसको इम्बेडिंग्स में कंप्यूटर के लिए रीडेबल बना के रख रहे होते हैं, और साथ उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट मौजूद होगा जिसकी उसने इम्बेडिंग्स बनाई है, ठीक है। आपको मैं ऑप्शंस दिखा रहा था, आपके पास मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं, वेक्टर डेटाबेसेस, फाइस, क्रोमा, इलास्टिक सर्च एंड पाइनकोन, क्यूड्रॉन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद है, और आप लोगों के पास आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि पाइनकोन तो पेड है लेकिन आप क्यूड्रॉन के ऊपर जाके एक फ्री अकाउंट बना के वो आपको एक डेटाबेस के लिए एक सर्वर दे देते हैं, उसके ऊपर डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर वेक्टर्स आप अपने बनाकर अपलोड कर सकते हैं, और वो आपको सर्टेन लिमिट तक आपको वो जो सर्विसेज हैं उनकी फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन, मैं आज कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ मिलेंगी कहाँ से, ठीक है। और देन आप जब वेक्टर डीबी क्रिएट कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट काम होता है कि आपकी जो यूज़र की क्यूरी है उस क्यूरी को आपने मैच करना होता है वेक्टर डेटाबेसिस के अंदर मौजूद रेलिवेंट कंटेंट से। तो क्या करेंगे, देखें आपने कंटेंट को क्या किया था, कंटेंट के आपने वेक्टर्स बना के रखे थे, तो क्यूरी किस तरह मैच होगी, क्यूरी तो आपके टेक्स्ट में आ रही है, तो टेक्स्ट तो वेक्टर के साथ मैच नहीं कर सकते, तो क्यूरी को भी वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और उन तमाम वेक्टर्स के साथ जो मौजूद हैं वेक्टर डेटाबेस में मैच करेंगे। मैच करने से ये होगा कि जो सबसे रेलिवेंट कंटेंट मौजूद होगा उस डॉक्यूमेंट का वो आपको मिल जाएगा, ओके और इसको हमने नाम दिया था सिमिलैरिटी सर्च, कि सिमिलर जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसको सर्च कर कर ले आओ। और एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर अब आप लोगों के सामने आ चुका है, मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा स्लो पेस पे रिपीट करूंगा, फिर हम कोड की तरफ चले जाएंगे डायरेक्टली। तो मीनवाइल आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो हम कमेंट्स में जो है ना उसको हैंडल करेंगे। जी हगिंग फेस थोड़ा सा बता दें। जी हगिंग फेस, देखें हगिंग फेस पे हमारा पूरा लेक्चर है जिसके ऊपर हमने आप लोगों को पाइपलाइन चलाना सिखाई थी, उनके मॉडल चलाना सिखाए थे। यहाँ पे हम हगिंग फेस की डिस्कशन इस वजह से कर रहे हैं कि हमने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट के हम चंक्स बनाते हैं, उन चंक्स की जब हम इम्बेडिंग्स बनाते हैं तो इम्बेडिंग्स कैसे बनेंगी, उसके लिए आपको एक मॉडल बना हुआ चाहिए जो इम्बेडिंग्स को बनाए, ठीक है। वो ट्रेंड पूरा एक मशीन लर्निंग का मॉडल है, वो मॉडल हम हगिंग फेस से ले रहे हैं। क्यों, ओपन एआई भी हमें इम्बेडिंग का मॉडल देती है लेकिन वो पेड है और उसके चार्जेस, आपको जितना बड़ा डॉक्यूमेंट अब आप अपलोड करेंगे उतनी ज़्यादा इम्बेडिंग्स उसकी वो क्रिएट करेगा और उतने पैसे आपको पड़ेंगे, वो कॉस्टली है। तो हम फ्री मॉडल यूज़ करते हैं हगिंग फेस से, वो हम दिखाएंगे कोड के अंदर के आपने यूज़ किस तरीके से करना है, और बहुत आसान है, जिस तरह पाइप लाइन्स के दो दो लाइन्स के कोड्स थे इसी तरीके से इसके अंदर भी एक लाइन का कोड और वो आपकी इम्बेडिंग्स जो है वो जनरेट कर देता है। ये मैथमेटिकल इम्बेडिंग्स हैं, ये आप खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इम्बेड करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए होता है। तो ये हगिंग फेस एक्चुअली आपको वो सारे के सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, ये कह लें कि इम्बेडर्स प्रोवाइड करता है कि आपने इम्बेडिंग किन किन चीज़ों से कर सकते हैं आप। जी हमें डॉक्टर शिराज ने ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ठीक है जी। अब फाइनली मैं आप लोगों से कोड पे जाने से पहले मैं कह रहा था कि एक दफ़ा से स्टार्ट से हम फ्लो देख लें। फाइल यूज़र ने अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो यूज़र अपलोड करेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आपका लोड होकर आपने उस डॉक्यूमेंट के जितना टेक्स्ट है वो रीड करना है, रीड करने के बाद आपने उसके चंक्स क्रिएट करने हैं, चंक्स क्रिएट करने के बाद आप उसकी इम्बेडिंग वैक्टर्स बनाएंगे, उन इम्बेडिंग वैक्टर्स को आप वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होने के बाद क्या होगा कि यूज़र एक क्यूरी करेगा, उस क्यूरी का वेक्टर जनरेट होगा, वो वेक्टर आपका यहाँ पर आता है लैंग चेन, लैंग चेन सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होगा कि लैंग चेन ने वो क्यूरी पकड़नी है, लैंग चेन ने वो क्यूरी वेक्टर डेटाबेस में लेके जानी है और वही क्यूरी उसको दे देनी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, ये क्वेश्चन आया है। और वेक्टर डेटाबेस में से उस क्यूरी से रेलेवेंट कंटेंट ला के भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दे देना है कि ये रेलेवेंट कंटेंट इसमें से मिल रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखेगा जनाब ये क्यूरी थी, इसका आंसर अब ये चंक उसमें से निकल के आया था, वो उस आंसर को आपके लिए एक अंडरस्टैंडेबल वे के अंदर आपको उस चंक को, उस टेक्स्ट को आपको आउटपुट के अंदर दे देगा। तो यहाँ पर
जो आपका लैंग चेन है वो एक एज अ मैनेजर काम कर रहा है, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, रिसोर्सेज को उसने सबको चेंड किया हुआ है, ग्लू किया हुआ है कि जनाब क्यूरी आएगी तो वेक्टर डेटाबेस में जाएगी, वेक्टर डेटाबेस से उसको वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक लेके जाएगा, पूरा फ्लो बना रहा है। और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो आपका एज अ ब्रेन, एज अ प्रोसेसर काम कर रहा है कि जिसने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड करने के बाद आपको एक लॉजिकल और एक अंडरस्टैंडेबल वे में जिसकी सेंस बनती है टेक्स्ट की वो आपको रिट्रीव करके देता है। ठीक है जी, अब कोड के ऊपर मूव करते हैं, मैं स्क्रीन जो है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। जी कोड मैंने एग्जीक्यूट किया है और एग्जीक्यूट करते ही मुझे मेरा जो सिस्टम है उसके ऊपर एक ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है जो कि हमने स्ट्रीम लिट के अंदर बनाया हुआ है। वेरीफाई कर लीजिएगा स्क्रीन का ना। ठीक है, ये मेरे पास स्क्रीन ओपन हो गई। इस स्क्रीन के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट, अपनी फाइल, और प्रोसेस का बटन लगा हुआ है, और आपके पास सिर्फ टाइटल नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट GPT। ठीक है जी, हमें सरफान ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको जो नज़र आ रही है वो ये है कि मेरे पास अभी तक कोई इनपुट फील्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मैंने टेक्स्ट इनपुट करना है तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता, क्यों? मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोडेड ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं ब्राउज़ पे जाता हूँ, मैं एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। ये आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 12 है। ये वाली डॉक्यूमेंट लेने का पर्पस ये है कि इस डॉक्यूमेंट का आपको भी बड़े अच्छे से पता है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये वेरिफिकेशन भी साथ साथ हो जाएगी कि हम लोग ये जो हमारा चैटबॉट है वो एक्चुअल में काम कर रहा है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया वो मुझे वापस कोड के अंदर ले आया है और उस पोर्शन पे ले आया है जहाँ से उसने कोड को कंटिन्यू करना है फाइल अपलोड होने के बाद। ये मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोसेस का बटन क्लिक करता हूँ। प्रोसेस का बटन क्लिक किया, मैं आ चुका हूँ अब अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर सबसे पहले देखें मेरे पास फंक्शन है गेट फाइल टेक्स्ट, कि जो फाइल मेरे पास आई है उसका क्या करना है, टेक्स्ट को हमने गेट करना है। तो अब हम इस फंक्शन के जब अंदर जाएंगे तो ये देखें मेरे पास ये फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है और इसके अंदर फाइल रीड हो रही है .pdf। ठीक है, .pdf वाली फाइल आपके पास मौजूद है और PDF रीडर उसको रीड करेगा, उसमें से टेक्स्ट जितना है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, और टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो मैं यहाँ पे जी सर कोड को ज़रा जूम इन करो, बच्चों को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। मैं जूम, अब यहाँ पर देखें कि ये फंक्शन मैं इसको एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ और ये फंक्शन एंड हुआ और मैं वापस उस जगह पे आ गया जहाँ से मैं चला था। मेरा गेट फाइल टेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया पूरा। अब आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है और इसके अंदर से इसने जो फाइल को रीड किया है वो कैसे किया है, ये कोड कहाँ से आया है, ये कोड मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आया है, ये सब कुछ आपके लिए इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी आपका काम क्या है, फ्लो को समझना, कोड को समझना कि चल कैसे रहा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ, मैं एक लाइन मज़ीद एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो फाइल टेक्स्ट है, फाइल टेक्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट शो हो रहा है। मैं इसको मज़ीद आपके सामने स्क्रीन को ओपन करना शुरू करूँगा तो ये असाइनमेंट नंबर 12 होप टू स्किल, ये तमाम कंटेंट उसके अंदर रीड हो रहा है। और अगर मैं आपको एक स्टेप मज़ीद फर्दर लेके जाऊँ तो ये लाइन मेरे पास एग्जीक्यूट हुई और ये मेरे पास आ गया है फाइल लोडेड। ओके, मैं अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था, जो फाइल का कॉन्टेंट लोड हो गया उस कॉन्टेंट का हमने चंक्स बनाने हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा कॉल होगा, गेट टेक्स्ट चंक्स, कि हम जो टेक्स्ट है उसके चंक्स को बना लें। ठीक है जी, अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ये फंक्शन मेरा आ गया, इसके अंदर मैंने अभी चंक साइज लिखा हुआ 900 के 900 का चंक साइज बना लो और ओवरलैप कर दो 100 का। ओवरलैप हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, देखें मैंने एक चंक बनाया और चंक बनाने के बाद हुआ ये कि कुछ कंटेंट उस चंक में चला गया लेकिन उससे रेलिवेंट कुछ कंटेंट नहीं आया। तो जब ओवरलैप रखूंगा तो हर चंक के अंदर कुछ कंटेंट रिपीट हो रहा होगा ताकि उसको ये पता चल जाए कि हाँ ये वाला जो कंटेंट है ये पिछले से लिंक हो रहा है। अगर मैं ओवरलैप नहीं रखता तो एक लाइन जहाँ पे कट हुई है नेक्स्ट चंक में उससे अगली लाइन आएगी,
कैसे पता चलेगा कि ये लाइन जो नेक्स्ट चंक में स्टार्ट हो रही है पिछले वाले से रेलिवेंट थी कि नहीं थी? ठीक है, वो हम ओवरलैप कर देते हैं ताकि कुछ पोर्शन पिछले चंक में आ जाए, कुछ पोर्शन नेक्स्ट में आ जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने सारी इस फंक्शन को हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपको करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर नज़र आ रहा है, ये फंक्शन बिल्ट इन आपको लैंग चेन के अंदर मिल जाएगा। लैंग चेन आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करता है, आपको कोई कोड खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब मैंने टेक्स्ट को कैसे स्प्लिट करना है, ओवरलैप जो हम कर रहे हैं वो कैसे होगा, ये सारा काम लैंग चेन खुद हैंडल करेगा। तो आपने सिंपल लैंग चेन की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट स्प्लिटर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर होनी चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं और हो क्या रहा है। ठीक है जी, और ये देखें, मैंने पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट किया, मैं वापस उसी लाइन पर आ गया जहाँ से हम फंक्शन में गए थे, एंटर हुए थे। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ और हमारे पास ये टेक्स्ट चंक वाले वेरिएबल के अंदर अब एक लिस्ट के अंदर उसके जो चंक्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और ये देखें जनाब, मेरे पास इसके कितने चंक्स बने हैं? 3 चंक्स बने। ठीक है, क्यों? उसका टेक्स्ट जितना था उस हिसाब से उसने उसके 3 चंक्स ऑलरेडी खुद बना दिए। ठीक है जी, और अब एक लाइन मज़ीद एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब हम उस कोड पे आ चुके हैं कि जहाँ पर हमने क्या बनाना है, अब उन इन चंक्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के बाद वेक्टर स्टोर में लेके जाना है, स्टोर करवाना है। ठीक है जी, अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो अब ये देखें, ये मुझे वेक्टर स्टोर वाले फंक्शन में लेके आया और उसके ऊपर आपको पहली लाइन क्या नज़र आ रही है? हगिंग फेस एम्बेडिंग्स। क्या नज़र आ रहा है? हगिंग फेस एम्बेडिंग्स। तो ये हगिंग फेस की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे हगिंग फेस एम्बेडिंग मॉडल्स, वहाँ पर आपको ये कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने मॉडल का नाम लिखा हुआ है ऑल मिनी L6V2। ये आप नाम भी सिंपल पेस्ट करेंगे, हगिंग फेस लिखेंगे, आप उस कोड के चंक तक पहुँच जाएंगे जहाँ से ये मैंने लिया, हगिंग फेस पर ये मौजूद है। और इसकी सारी डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं कि ये कितने साइज़ के वैक्टर्स बनाता है, इसमें कितना चंक आता है, ये कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं, ये सारी डिटेल इसके मॉडल कार्ट में मौजूद होगी। तो हम लोगों ने आपको जो स्टार्ट में हगिंग फेस पढ़ाई थी और ये बताया था कि हगिंग फेस के ऊपर मॉडल्स मौजूद होते हैं, ये आपके काम आएंगे, तो अब इस तरीके से वो तमाम चीज़ें कनेक्ट होती जा रही हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट से लेकर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते गए थे। अब तमाम चीज़ों की जो लॉजिक है और उनकी जो सेंस है वो आप लोगों के सामने आती जा रही है कि उनका मकसद क्या था। जब ये हगिंग फेस पे आ गए तो इस वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या आ जाएंगी? एम्बेडिंग्स। मैं क्या करता हूँ कि ये एम्बेडिंग्स वाला जो वेरिएबल है मैं वॉच के अंदर ऐड करता हूँ। अब ये जो मैं ये जो वॉच वाला पैनल है मैं कर क्या रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि डिबगिंग के अंदर मैंने किसी स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू देखनी हो कि इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो रही है। मैं वॉच वाले सेक्शन में आता हूँ, प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं उस वेरिएबल का नाम लिखकर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी आएगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको टेक्स्ट चंक शो हो रहे हैं अभी। ठीक है, ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया लाइन तो इस एम्बेडिंग वाले सेक्शन के अंदर इस कि आपके पास जो जितनी भी चीज़ें आई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कि आपका जो मॉडल है वो क्या था, उसके बाद उसने जितनी भी चीज़ें उसकी स्टोर की हैं, एम्बेडिंग्स जो उसने जनरेट किए हैं, क्योंकि एम्बेडिंग्स आप लोगों को देखने में कोई सेंस नहीं बनाएंगी तो उसको दिखाने का भी ऐसे फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि जनाब ये एम्बेडिंग्स हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स हमने बनाई। उसके बाद देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि वैक्टर डाटाबेस के अंदर क्या क्या स्टोर होगा? वैक्टर्स और चंक्स। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है FAISFAISSS। ठीक है, ये क्या है? ये है फाइस, ये है एक वेक्टर डेटाबेस, एक वेक्टर स्टोर। ठीक है, एक वेक्टर डाटा या वेक्टर डाटाबेस या वेक्टर स्टोर, ये फेसबुक की तरफ से है। ठीक है, फेसबुक AI सिमेंटिक सर्च। ठीक है, फेसबुक ने ये आपको वेक्टर डेटाबेस दी हुई है, आप इसको यूज़ करते हैं। अब ये वाली मैंने स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ कि ये फ्री है और ये आपके सिस्टम के ऊपर ही बनेगी,
ये जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं वेक्टर अभी वेक्टर डीबी बनाऊंगा तो ये मेरे सिस्टम के ऊपर ही वेक्टर डेटाबेस बनेगी, ठीक है। फाइल्स मैंने यूज़ कर ली, अब मैं उसको दे क्या रहा हूँ, दे मैं ये रहा हूँ टेक्स्ट के चंक्स और इम्बेडिंग्स जो मैंने जनरेट की थी, दोनों चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। ये फंक्शन है फ्रॉम टेक्स्ट जो आपको हेल्प करता है दोनों चीज़ों को फेच करेगा, फेच करके फाइल्स को देगा, फाइल्स उसके अंदर क्या करेगी, एक जो डेटाबेस है वो बना लेगी, ठीक है जी। मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ और मेरे पास नॉलेज बेस का वेरिएबल नहीं है, मैं इसको यहाँ पे आके ऐड करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखें जनाब, इसके अंदर आ रहा है कि लैंग चेन डॉट वैक्टर स्टोर डॉट फाइस, ठीक है, उसने उसका एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर बना दिया है, ठीक है। वेक्टर डीबी आपकी क्रिएट हो रही है। चलें जी, अब हम कहाँ आ गए, वापस उसी लाइन पे जहाँ से हम गए थे। मैं इसको मज़ीद एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूँ कि अभी तक हमारी फाइल लोड हो चुकी है, चंक्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, कोड के ऊपर अभी हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास नेक्स्ट आपका मैसेज डिस्प्ले होगा कि वेक्टर स्टोर क्रिएटेड, ओके, वेक्टर स्टोर क्रिएटेड। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि वेक्टर स्टोर अब आपका बन गया है तो यूज़र को एक इनपुट फील्ड शो होनी चाहिए, इनपुट फील्ड के बाद यूज़र उसमें कोई टेक्स्ट इनपुट कर सके। ले जी, मज़ीद इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये अब आपका आगे जो LLM वाला LLM है उस पर चला गया, ठीक है जी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे अभी भी कोई भी इनपुट फील्ड मुझे शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक मैं उस फंक्शन तक नहीं पहुँचा, उस कोड ऑफ लाइन तक नहीं पहुँचा, उस लाइन ऑफ कोड तक जहाँ पर वो इनपुट फील्ड वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पे ये कोड लिखा है कि यूज़र से इनपुट लो। मैं वहाँ पर क्यों नहीं गया, मैं वहाँ पर इसलिए नहीं गया कि पहले हमने आपको बताया था कि LLM ने काम करना है, LLM के पास हिस्ट्री होनी चाहिए कि वो क्या करने लगा। तो हिस्ट्री के लिए हमने आपको चीज़ें बताई थी कि मैसेज जो हिस्ट्री स्टोर होती है, कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो स्टोर होती है, उसके अंदर जो आपका सिस्टम का रोल है वो स्टोर होता है। रोल मैंने अभी इसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, ह्यूमन रिस्पांस स्टोर होगा, AI रिस्पांस स्टोर होगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या क्या मौजूद है, अभी हमारे पास दोनों ही चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक कोड वहाँ पर जाता है और चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या मेरे पास अभी कोई कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, जो भी होगा उसको मेमोरी चैट हिस्ट्री में स्टोर कर लेगा, नहीं होगा तो मुझे वो ले जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे मैं टेक्स्ट इनपुट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये कन्वर्सेशन चेन और उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर वो मौजूद था, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए और अब यहाँ पर ये देखें, ये लाइन है आस्क क्वेश्चन अबाउट योर फाइल्स, ठीक है। एक सवाल का जवाब देता है जो आप लोगों को वो काफी ज्यादा आ रहा है कि आप इसको किसी हद तक मल्टीलिंगुअल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो इसका एक्यूरेसी है, जो उसको ज़्यादा इसको मॉडल सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंग्लिश ही है। और दूसरे दो तीन सवाल ये हैं कि जी हम अभी सरगोधा में हैं, आई ट्रूली अपोलोजाइज ऑल ऑफ यू कि आपके वक्त में से हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसका मकसद भी लोगों को हेल्प आउट करना था। फैसलाबाद हम गए थे तो ज़्यादा फासला नहीं था, बट इस वक्त हम उनके एक रूम में बैठ के ये मोनिटर इसलिए कर रहे हैं कि हारिस भाई अपने पूरे पोटेंशियल पे आपको समझाएं, अगर उनको हमारी की मदद की ज़रूरत पड़े तो हम उनको हेल्प आउट कर सकें। और मैं आपको थोड़ा सा रुक के ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये उससे 10 गुना ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। प्लीज़ कीप गोइंग, एक एक अल्फाज हम सुन रहे हैं, जहाँ हमें लगेगा वी हैव टू जंप इन, डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, वी विल जंप इन। And the good thing for all of you is this, today we are reading your comments. It doesn't mean कि अब आप comment करना शुरू कर दें और हारिस भाई को सुनना बंद कर दें। हारिस भाई को तो मैं भी आज बड़े अरसे बात सुन रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी सुनीली सी आवाज है इनकी।
सो प्लीज हारिस भाई कीप गोइंग, और मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आज ताकि मुझे अंदाजा हो बच्चे कितना समझ में आ रहा है। जहाँ हमारे सवाल होंगे हम पूछेंगे, आज हम भी समझें कि क्लासरूम में बैठे हैं स्टूडेंट्स की जगह पे। तो मैं थोड़ी देर बाद आ रहे से आपसे सवाल करना शुरू करूंगा। गुड चलें जी, ओके जी, थैंक यू सर। चलें जी, हम लोग अब इस लाइन पे मौजूद हैं जहाँ पर उसने हमें टेक्स्ट फील्ड हमारे चैटबॉट ने अपने यूज़र को शो करनी है जहाँ पे वो इनपुट कर सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अभी स्टिल यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा तो अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, एक इनपुट फील्ड आ गई। क्यों? जैसे ही मैंने उस लाइन को एग्जीक्यूट करके मैं नेक्स्ट लाइन पे गया हूँ तो वो फील्ड शो होगी जिस लाइन के ऊपर अभी ये जो मेरा पॉइंटर आपको शो रहा है और येलो कलर से लाइन हाईलाइट हुई हुई है, जिसके ऊपर ये पॉइंट कर रहा होगा वो लाइन अभी एग्जीक्यूट होनी है। जी सर। हारिस बेटा एक काम करना, जब ये डिबगर एंड पे पहुंचे ना तो जी एक दफा कोड को बिल्कुल स्टोरी की सूरत में विदाउट डिबगर भी बच्चों को समझाना, ताकि डिबगर जो है कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हर जगह रुक जाते ठीक हो है ना। तो एक जो ड्राई रन करते हैं ना कोड को, एक दफा कोड को ड्राई रन करके दिखाओ जब आप एंड पे पहुंचो। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, मैंने मेंशन किया हुआ है कि यूज़र की जो भी इनपुट आएगी वो यूज़र क्वेश्चन में स्टोर होगी, और यूज़र क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये मैं वॉच कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो मैं देख रहा हूँ। अभी उसमें क्या मौजूद है? नन, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, मैं आता हूँ और मैं लिखता हूँ हाय, बल्कि हाय की भी ज़रूरत नहीं है, व्हाट इज़ दी डॉक्यूमेंट अबाउट, ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ के बारे में। जैसे ही मैंने एंटर किया है वो यहाँ पर आ गया है, उसने मेरी इनपुट ले ली है और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब वो कोड एग्जीक्यूट जो है ना वो जा रहा है, और एग्जीक्यूट होते 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 क्योंकि मैंने चेक पॉइंट्स स्टार्ट से लगाए हुए थे, इसको मैं पास कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। ठीक है जी, वो दोबारा उसी पोर्शन से मूव कर रहा है क्योंकि मैंने ये देखें, ये जो रेड रेड आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। ये क्या हैं? ब्रेक पॉइंट्स हैं। ये कब हम और क्यों लगाते हैं? कि जब कोड को मैं अपनी मर्जी से जहाँ पर रोकना चाहूँ ये वहीं पर आकर रुकेगा। तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो इस बात से हो रहे होंगे कि ये दोबारा उसी लाइन ऑफ कोड पे क्यों गया है। वो इस वजह से गया है, जैसी मैंने इनपुट दी थी ना, तो इनपुट देने के बाद उसने जो चीज़ ली वो ब्रेक पॉइंट इधर लगा हुआ था, वो वापस वहीं पे रुक गया था, और वो मेरी कमांड के ऊपर आगे जाएगा उसी पोर्शन तक जहाँ जहाँ पर वो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। देखें, मेरे यूज़र क्यूरी के क्वेश्चन के अंदर आ गया है व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट अबाउट, ये यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। वेक्टर स्टोर हमारा बना हुआ है, चंक्स हमारे बने हुए हैं, पिछला काम हमारा सारा हुआ हुआ है। ठीक है जी, यूज़र क्वेश्चन से हम आगे निकले हैं, और अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो अभी ऊपर डिबगर की वो ख़त्म हो गई हैं, वो शो नहीं हो रही। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ कि जो आउटपुट है वो मुझे आ गई। अब आउटपुट में वो जो मुझे क्या कह रहा है, द डॉक्यूमेंट इज़ अबाउट ट्रेनिंग अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ऑन फैशन एमनिस्ट डाटा सेट। तो आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 12 भी किस पे थी? फैशन एमनिस्ट डाटा सेट के ऊपर आपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को लगाना था, और उसके अंदर उसने क्या क्या मेंशन किया हुआ, इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू स्प्लिट डाटा, डाटा को स्प्लिट कैसे करना है, इमेज को फ्लैटन कैसे करना है, डाटा को स्केल कैसे करना है, हाइपर पैरामीटर कैसे डिफाइन करने हैं, स्ट्रक्चर न्यूरल नेटवर्क का कैसे डिफाइन करना है, और उसके जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो भी इस असाइनमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में मेंशन हुए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु आर दी इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, कि असाइनमेंट के अंदर जो हमने अब ये जो चीज़ है मैं इसको एग्जीक्यूट, एक स्टेप तो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चलता है। अब ये क्यूरी को मैं क्यूरी मेरी अपडेट हो गई कि यहाँ पर यूज़र क्वेश्चन के अंदर आ गया था हु आर द इंस्ट्रक्टर्स, अब वो दोबारा रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। अब इसके अंदर आ गया द इंस्ट्रक्टर्स मैंशनड इन द डॉक्यूमेंट्स आर इरफान मलिक एंड डॉक्टर शिराज, ये असाइनमेंट के अंदर मौजूद हैं। मैं एक काम करता हूँ कि आपको ना वो असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट जो मेरे पास मौजूद है वो भी साथ खोल के दिखा देता हूँ कि जिन ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए।
कि ये देखें जनाब, ये इंस्ट्रक्टर मेंशन हुए हैं, इरफान मलिक एंड डॉक्टर शराज, ठीक है। अब लेट्स से ये इसमें डेडलाइन मेंशनड है, डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट इज ट्यूसडे और ये डेट मेंशनड है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इससे क्यूरी करता हूँ कि मुझे डेडलाइन बताए, ठीक है जी, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट, ठीक है जी। वो वापस ब्रेक पॉइंट्स क्योंकि लगे हुए हैं, वो वहीं पे आएगा जहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूशन के बाद मेरी यूज़र क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल में आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट, क्वेश्चन क्यूरी अपडेट हो चुकी है और मैं मज़ीद इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ये देखें जनाब, उसने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, मेरे पास से उस तमाम ऑप्शन चली गई। ये उसने बता दी डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट इज़ ट्यूसडे और वो डेट उसने दे दी, ठीक है। अब देखें किस तरीके से आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ था, एग्जैक्टली उस डॉक्यूमेंट के अंदर से जो क्यूरी आप कर रहे हैं वो क्यूरी आपको रिट्रीव उसी तरीके से वो आपको करके दे रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आप उससे मांग रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं असाइनमेंट डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊं, दोबारा खोलूं, इसके अंदर मैं कोई चीज़ पूछता हूँ कि लेट्स से मैं हाइपर पैरामीटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। इसमें हाइपर पैरामीटर्स मौजूद हैं, तो मैं सिंपल इससे ये पूछता हूँ कि इज देयर एनी मेंशन ऑफ हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है, गिव मी समरी ऑफ इट, ठीक है। दोबारा कोड आया, मैं इन स्टेप्स को अब करता जा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन अपडेट हो गया है और ये मैंने एग्जीक्यूट किया, हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर रिस्पॉन्स शो हो जाएगा कि इसके अंदर हाइपर पैरामीटर्स के बारे में कोई चीज़ मेंशनड है, अगर मेंशनड है तो वो दे देगा समरी उसकी। तो उसने कहा था समरी ऑफ द मेंशनड हाइपर पैरामीटर इन द डॉक्यूमेंट इज एज फॉलोइंग, कि आपको नंबर ऑफ इपॉक्स के बारे में बताया हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉडल विल आइट्रेट ओवर द, अब वो आपको साथ साथ ये भी बता रहा है कि आपने उसका मतलब क्या है, बैच साइज बता रहा है, इनपुट साइज ऑफ द इमेज बता रहा है, नंबर ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर बता रहा है और आउटपुट बता रहा है। ज़रा अपनी हम फाइल में जाते हैं और इसके अंदर देख लेते हैं कि यह यही थे। तो ये देखें जनाब, नंबर ऑफ इपॉक्स था, बैच साइज था, इनपुट साइज ऑफ द इमेज था, नंबर ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर था और आउटपुट साइज थी। तो जो जो चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में मैंशनड थी वो उसने आपको एग्जैक्टली बता दी। अब भाई कुछ ऐसा पूछें जो डॉक्यूमेंट में नहीं है, ठीक है। मैं इससे पूछता हूँ कि कोई क्यूरी हम रैंडम पूछ लेते हैं कि व्हाट इज टैक्स स्प्लिटर, ये डॉक्यूमेंट में नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करना चाहिए, ये क्यूरी अपडेट हो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अपडेट हो चुका है, अब हमारे पास रिस्पांस आएगा। अब उसने मेंशन किया है द डॉक्यूमेंट डज नॉट मेंशन अ टैक्स स्प्लिटर, देयरफॉर आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स पर्पस और फंक्शन। तो उसने उसको आपको डायरेक्टली ये बता दिया कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो मेरे हाथ खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट चेंज करूँगा, डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके अंदर से भी क्यूरी करके आप लोगों को दिखा देते हैं, देन फिर हम कोड को ड्राई रन करेंगे। आपको कोड में एक दफ़ा ड्राई रन करके दिखा दूंगा कि कोड किस सीक्वेंस से चल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और हमारा जो आज का एजेंडा है होपफुली वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें से पूछता हूँ कि व्हाट मैं ग्रामेटिकली गलत एंटर कर दूँ, तो ठीक है मैं गलत कर देता हूँ, अब गलत करना भी मुझसे मुश्किल हो जाता है। व्हाट शुड बी द सबमिशन फाइल फॉर्मेट, ठीक है, सबमिशन फाइल नेम कर देता हूँ कि जो सबमिशन की फाइल है उसका नेम क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ, क्या करूँ, स्पेलिंग मिस्टेक एक दो और कर, नेम का ई मिटा दें, ठीक है जी, मैं नेम का ई मिटा देता हूँ और ये भी साइन भी मिटा दें, तक हम उसको क्यों बता रहे हैं क्वेश्चन है, चल ठीक है जी, हम कुछ भी नहीं बताते। ओके जी, रिस्पॉन्स आता है, अब रिस्पॉन्स को देखते हैं वो क्या बताता है। द सबमिशन फाइल नेम शुड बी होप टू स्किल HTS आपका अंडरस्कोर असाइनमेंट अंडरस्कोर 12 डॉट जो एक्सटेंशन होती है नोटबुक की IPYNB, इस फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। तो उसने एग्जैक्टली आपको उसी तरीके से चीज़ें बताई जिस तरह से उसके अंदर होनी चाहिए।
आप इससे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 10 है या असाइनमेंट 4 है, तो वो आपको ये भी बता देगा कि ये असाइनमेंट 10 नहीं है, ये असाइनमेंट 12 है। ये तो देखें इसके हवाले से ये चीज़, क्योंकि वो वर्ड काउंट कर नहीं रहा, ठीक है। क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन ये आया है कि अगर हम इससे ये पूछें कि ये कितने वर्ड हैं, ये वर्ड काउंट बता देगा, तो क्यूरी भी कर ले, दिखा देता हूँ आपको और बता भी देता हूँ, व्हाट इज़ द वर्ड काउंट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। साथ आपका एलएलएम लगा हुआ है, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया हुआ कि आपने ये स्पेसिफिक टास्क करना है। LLM सम केसेस में अगर तो डॉक्यूमेंट छोटा होगा तो वो आपको बता देगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आपने डॉक्यूमेंट को चंक्स में तोड़ा हुआ है, तो वो काउंट आपको बताएगा भी तो गलत बताएगा, वो एग्जैक्ट ठीक काउंट आपको बताएगा ही नहीं। और स्पेसिफिकली जब आप किसी स्पेसिफिक पार्ट से जो डॉक्यूमेंट में मौजूद है क्यूरी करेंगे, तब ही वो आंसर करेगा, ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट को वो काउंट करने नहीं बैठ, और उसमें ओवरलैप भी हो रहा है तो वो काउंट आपका ख़राब होगा, ठीक है। ये मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसने ये बताया है देयर आर 224 वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको ये चीज़ को अब चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या इसमें 224 वर्ड्स ही मौजूद हैं या इससे ज़्यादा है या इससे कम है, ठीक है, ओके। क्योंकि और ये भी कीप इन माइंड कि ये डॉक्यूमेंट छोटा है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैं ज़्यादा पेजेस वाला अपलोड करूँगा तो वहाँ पर ये रिलायबल नहीं रहेगा। जी ये बात जहन में रखें कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर से ही आपको आंसर कर रहा है, बाहर से कुछ भी आपको नहीं देगा। जी क्वेश्चन ये है कि देखें कि अभी तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर से हमें आंसर दे रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर से अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो हमें आंसर कर दे, अगर नहीं मौजूद तो वो चैट जीपीटी अपना नॉलेज बेस्ड नॉलेज यूज़ करते हुए हमें रिस्पॉन्ड कर दे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर फ्लो चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे आप एलएलएम को डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे अब आपने उसका रोल भी मेंशन करना है। उस रोल में आप क्या करेंगे, सिंपल उसको ये बता देंगे आपने डॉक्यूमेंट में से आंसर करने हैं, इफ़ यू डू नॉट फाइंड द रेलिवेंट आंसर टू द क्वेश्चन, तो आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आपने दे देना है, अदरवाइज कोई आंसर रैंडमली जनरेट करके नहीं दे देना वो, क्यों बाज़ूकात एलएलएम हेलुसिनेशन की तरफ चले जाते हैं, और हेलुसिनेशन में वो क्या करते हैं कि आपको एक ऐसा फर्जी जवाब बना कर दे देते हैं कि जो एक्चुअली में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूँ कि अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था और सरफार ने उसको एड्रेस भी किया था कि हम क्या इसको मल्टीलिंगुअल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब कई बच्चों को असाइनमेंट अंडरस्टैंड करने में बहुत मसला होता है, तो उनका ये मसला हल हो सकता है कि अगर वो ये डॉक्यूमेंट जीपीटी बनाते हैं और चला लेते हैं, उसके अंदर अपनी असाइनमेंट को अपलोड करें और उससे सिर्फ ये पूछ लें ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है, मुझे उर्दू में बता दें, ठीक है। ये मैंने उससे क्यूरी कर ली, ठीक है, रोमन उर्दू में, बिल्कुल मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, मैंने उसको क्यूरी कर लिया, अब देखते हैं वो क्या जवाब देता है। अच्छा, अब वो कहता है माजरत, मुझे उर्दू में आपके सवाल का जवाब देने के लिए दरकार मालूमात नहीं है, ठीक है, लेकिन अब ये टेस्ट कर लें क्या ये रोमन उर्दू में जवाब दे सकता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है, मुझे रोमन उर्दू में, बल्कि मैं रोमन उर्दू भी मेंशन नहीं करता, मैं इस कहता हूँ ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है, मैं सिंपल ये क्यूरी कर देता हूँ, ठीक है। क्या वो इसको समझ पाता है, ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़े कि आप लोग इससे किस किस तरीके से क्यूरी कर सकते हैं, किस किस तरीके से इसमें, जब आपको डिफरेंट क्यूरी स्टाइल पता चलेंगे आपको ये भी पता चलेगा कि इसके अंदर हम चेंजिंग्स क्या क्या कर सकते हैं, कि मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूँ, मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूँ, मैं इसका रोल डिफाइन करूँगा तो मैं उसमें मैंशन करूँगा लैंग्वेज का, तो क्या वो काम कर सकता है कि वो नहीं कर सकता। तो सिर्फ इन चीज़ों का मकसद जो है वो आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अब देखें, हुआ ये कि मैंने उसको कोई चीज़ ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की, मैंने सिर्फ ये पूछा कि ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है, अब वो उर्दू में जवाब दे रहा है, ठीक है।
ये दस्तावेज एक असाइनमेंट के बारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स का डाटा सेट पर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एमनिस्ट है, ठीक है। अब उर्दू में क्योंकि वो इतना एफिशिएंट नहीं है तो, लेकिन आपको वो जवाब ज़रूर दे रहा है कि ये किस बारे में है और इसके अंदर आपने क्या करना है। इस असाइनमेंट में आपको फैशन एमनिस्ट ठीक है वो करना होगा। अब उसने उसको कुछ और लिखने की कोशिश की लेकिन उसको वजन लिखा हुआ है। इस दस्तावेज में आपको मुख्तलिफ मराइल की हदायत दी गई है, मतलब वो आपको बता रहा है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको क्या करने लगा हूँ, रिफ्रेश करने लगा हूँ, ठीक है। रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे आ गया और मैं ना एक दूसरी फाइल अपलोड करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है वो मैंने अपलोड किया है और मैं प्रोसेस कर देता हूँ उसको। प्रोसेस में क्या होगा, ये सारे स्टेप्स जो हमने टेक्स्ट रीड करेंगे, टेक्स्ट के चंक्स क्रिएट करेंगे, उन चंक्स की इम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे, उन इम्बेडिंग से हम वेक्टर स्टोर में रखवाएंगे, उन वेक्टर स्टोर से फिर हम क्यूरी करेंगे जब वेक्टर स्टोर बन जाएगा, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें उसकी हो गई, फाइल लोड हो गई, चंक्स क्रिएट हो गए और वो स्टिल प्रोसेस कर रहा है, ठीक है जी। मज़ीद मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो हमारी वेक्टर डीबी भी क्रिएट हो गई। अच्छा, वेक्टर डीबी क्रिएट हो गई तो ओके, ये वेक्टर डीबी क्रिएट हो गई, लेकिन मेरे पास इनपुट फाइल, इनपुट फील्ड अभी भी नहीं आ रही, ठीक है। इनपुट फील्ड में आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं आगे एग्जीक्यूट करूँगा, ये इनपुट फील्ड मेरे पास आ गई, ठीक है। व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट अबाउट, ठीक है। और मैं उस कोड को फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, मेरे पास अब आंसर आना चाहिए। फिर हम डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, डॉक्यूमेंट क्या था। ओके, अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो बिल्कुल केबीस की फ़ाइल थी, बिल्कुल छोटी सी फाइल थी। अब हमारा 1.8 एमबी का डॉक्यूमेंट है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा वैसे भी टाइम उसको लगता है। और एक्चुअली में अब ये एग्जीक्यूट होकर मेरे पास जो ठीक है जी, अब क्यूरी अपडेट हो गई थी और हमारे पास अच्छा जी ये डॉक्यूमेंट का रिस्पांस आया कि दिस डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू बी अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। मैं फाइल खोल के दिखा देता हूँ ताकि हमें डॉक्यूमेंट का भी पता लग जाए कि हम किस चीज़ के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, डाउनलोड्स में आ गए, क्लाइमेट चेंज में आ गए, ये मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। ये देखें जी, एक मैंने रैंडम इंटरनेट से डॉक्यूमेंट लिया था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब ये देखें जनाब, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ग्राफ्स भी हैं और चीज़ें भी हैं, इसके अंदर बिब्लियोग्राफी भी है, रेफरेंसेस भी दिए गए हैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, और हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। इसमें से मैं अब क्यूरी करता हूँ, लेट से मैं इसका पहले पूछने की कोशिश करते हैं कि इसका टाइटल बता, What is the title of the ठीक है जी, ये क्वेश्चन अपडेट हो गया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, ये एग्जीक्यूट किया। अब द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट इज चैप्टर 12 ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, उसने उसको बता दिया। क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इम्प्लिसिट हो वो बता देगा ये? कैसी, फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें लिखा नहीं हुआ कि रेफरेंसिंग स्टाइल क्या है, ठीक है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। व्हाट इज द रेफरेंसिंग स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, यूज्ड इन द अभी उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं हुआ ये कहीं डॉक्यूमेंट, ठीक है। Based on the private provided context, it is not possible to determine the referencing style used in the document. Document के अंदर तो कहीं नहीं बताया हुआ था कि जनाब हम reference, जो डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन करवाया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन था क्या।
क्वेश्चन ये था कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर ना जो इन्होंने सारी बातें मेंशन की हुई है ना, उन मेंशन तमाम बातों के बारे में ना उन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि हमने ये जो बात की है ये हमने कहाँ से ली थी और किस पेपर के अंदर पब्लिश थी या उनका ऑथर कौन था और किस ईयर का था, ये रेफरेंस होता है। इस रेफरेंस का स्पेसिफिक स्टाइल होते हैं, हार्वर्ड स्टाइल होता है आपके पास, जी तो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो वो उसको यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, तो उसको वो स्टाइल मेंशन नहीं पता चला कि ये किस स्टाइल में लिखे हुए हैं। लेकिन अब हम उससे ये क्यूरी करते हैं कि क्या इसमें रेफरेंसेस मौजूद हैं, अगर मौजूद है तो मुझे ला के दिखाओ, ठीक है। बिल्कुल, उसका काम बेसिकली ये है भी नहीं, उसका काम ये है कि आपको जो टेक्स्ट है, इनपुट है, उसको आइडेंटिफाई करना कि वो क्या, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सर मैं क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था, आपको बताने का मकसद ये था कि ये डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसके आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ऐसी कोई चीज़ जो आपको पता है डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी गई ये उसका आंसर आपको उस तरह से नहीं देगा, देगा तो हो सकता है सही हो सकता है ना भी सही, तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ आपको पता है डॉक्यूमेंट में लिखी नहीं हुई तो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। पहले इतना पूछते हैं कि आर देयर एनी रेफरेंसेस इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास इसका रिस्पांस आना चाहिए, रिस्पांस में ये एग्जीक्यूट जो हो रहा है बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड पे हमारी क्यूरी गई, क्यूरी को उसने उस वेक्टर में कन्वर्ट किया, उस वेक्टर को उसने पूरी डेटाबेस के अंदर जाके तमाम वेक्टर्स के साथ मैच किया, मैच करने के बाद वो कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके लैंगचेन ने वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया, उसने उसकी सेंस बना के आपको एक रीडेबल फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आउटपुट के तौर पर दे दिया। अब ये देखें जनाब, येस द डॉक्यूमेंट कंटेन सेवरल रेफरेंसेज, सम ऑफ द रेफरेंसेज मैंशनड इन द डॉक्यूमेंट इंक्लूड, अब ये उसने जो रेफरेंसेज मैंशनड थे वो हमें प्रोवाइड कर दिए, ठीक है जी, ओके। तो देखें जी, इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये है कि हम कोड को एक दफ़ा ड्राई रन करके देख लेते हैं कि कोड किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैं ये चीज़ें बंद कर देता हूँ, ख़तरनाक सी जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, और ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ। हरीश भैया, आप क्या करने लगे हैं जी? अब मैं बच्चों को एक कोड का फ़्लो ओवरऑल फ़्लो दिखाना चाह रहा हूँ कि कोड के अंदर कौन कौन से फंक्शंस मौजूद थे, उनमें क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ताकि वो एक सीक्वेंस में उन चीज़ों को देख लें जो हम बार बार अभी रुक के डिबगर की वजह से जो 100 ठीक है जी, ठीक है जी। देखें जी, और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अभी जो मैंने चैट जीपीटी की है वो सीक्रेट फाइल में रखी हुई है आप लोगों, ताकि वो चीज़ हाइड रहे। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि चैट जीपीटी की रन टाइम पे यूज़र से भी ले सकते हैं, उसकी भी लाइन मैंने लिखी हुई है, जब मैं लाइन तक पहुँचूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। बेसिकली एक मैंने एक मेन फंक्शन बनाया कि जैसे ही एक फ़ाइल एग्जीक्यूट हो ना, मेन फंक्शन उसका कॉल हो जाता है और उसके अंदर जितने आपके मेजर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मैंशनड होती हैं, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। हो ये रहा है कि हमने क्योंकि साथ स्ट्रीमलेट को भी देखना है, लैंगचेन को भी देखना है, वेक्टर डेटाबेस को भी देखना है, हगिंग फेस को भी देखना है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। इनिशियली जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो तो कोड एग्जीक्यूट होने के साथ साथ आपके पास सामने क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आपके सामने ये चीज़ें आनी चाहिए कि यूज़र को एक टाइटल शो हो पेज के ऊपर, हेडिंग शो चैट सॉरी डॉक्यूमेंट जीपीटी, ठीक है, और पेज जो वेब पेज खुले उसके ऊपर लिखा हो चैट विद एनी फाइल डॉक्यूमेंट जीपीटी की उसको हेडिंग नज़र आ गई, और कुछ सेशन वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास इनिशियलाइज हो जाएंगे एट द वेरी बिगिनिंग के ये सेशन स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर तमाम जो वैल्यूज़ आएंगी वो इसके अंदर से कोड जो है वो पिक करेगा और वो उस सेशन के लिए वो वैल्यूज़ सेव रहेंगी, जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे सेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप साइड बार में आते हैं, जो साइड बार आपको नज़र आ रही थी जहाँ पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करना था और प्रोसेस करना था, तो ये देखें यहाँ पे आपको वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। फाइल अपलोडर का आपके पास फंक्शन स्ट्रीमलेट आपको प्रोवाइड करती है, अपलोड योर फाइल, आप वहाँ पे कोई भी मैसेज आप कस्टम अपना दे सकते हैं। अब आप टाइप वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जनाब कौन कौन सी फाइल्स हैं, मैंने यहाँ पे पीडीएफ डॉट और डॉक्स वाली फाइल का किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन की हुई है, ये इस लाइन को जब आप अनकमेंट करेंगे तो वो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा ये कि मैं आपको ये चीज़ करके एक दफ़ा दिखा दूँ तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये मैंने लाइन अनकमेंट कर दी है, अब
मैं इस कोड को जब एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है जी, तो ये मैंने कोड एग्जीक्यूट किया, और कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखें यहाँ पे मेरे से वो पूछ रहा है ओपन एआई की। तो आप पब्लिक के लिए भी ये एप्लीकेशन बना सकते हैं, हर यूज़र अपनी ओपन एआई की खुद यूज़ कर सकता है। पिछले केस में देखें यहाँ पे आपको साइड बार में इस तरह की कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, तो ये लाइन मैंने कमेंट की हुई थी ऑन पर्पस। ओके जी, बैक टू द कोड, कोड में आ जाते हैं वापस। मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया है प्रोसेस का, बटन का आप उसके ऊपर कुछ भी मेंशन, यहाँ पे जो भी मेंशन करेंगे यूज़र को वो बटन के ऊपर शो होगा। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया है कि जब आपका जो क्विज आज नहीं, ठीक है जी, अब प्रोसेस का बटन देखें जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, तो मैंने कंडीशन लगाई हुई कि अगर प्रोसेस का बटन क्लिक हो जाए तो तुमने क्या करना है। प्रोसेस का बटन क्लिक होगा तो वो सबसे पहले तो चेक करेगा ओपन ए आई की दी है कि नहीं दी। ओपन ए आई की नहीं दी तो वो कहेगा इफ नॉट ओपन ए आई की तो प्लीज़ ऐड योर ओपन ए आई की एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, ओपन ए आई की दे दी हमने लेट से, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेगा गेट फाइल टेक्स्ट, के फाइल का जो टेक्स्ट है वो लो। इस फंक्शन के अंदर जब मैं जाऊँगा, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जब मैं जाऊँगा, ये देखें मैं फंक्शन के अंदर गया तो ये फंक्शन मैंने लिखा हुआ है। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट वाला वेरिएबल बना हुआ है, इनिशियलाइज हो रहा है एम्प्टी, ठीक है, वो फाइल अपलोड हो रही है, उस फाइल कौन सी वाली, पीडीएफ, ठीक है, और उस पीडीएफ फाइल के लिए भी मैंने ये गेट पीडीएफ टेक्स्ट वाला फंक्शन मैंने इसके अंदर मजीद कॉल किया हुआ। यहाँ पे हो ये रहा है कि ये वाला फंक्शन बेसिकली पहले चेक करता है कि जो फाइल की एक्सटेंशन है वो एग्जैक्टली वही है कि नहीं। यूज़र हो सकता है वो डॉट एच टी एम एल वाली फाइल अपलोड कर दे, डॉट जेसन फाइल अपलोड कर दे, डॉट एक्सेल फाइल अपलोड कर दे, तो आपका सिस्टम तो काम नहीं करेगा। तो पहले चेक कर लें कि वो फाइल वही है कि नहीं, अगर नहीं है तो फाइल टाइप नॉट सपोर्टेड। अब मैंने चीज़ें कमेंट की हुई हैं और इसके फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है लेकिन कमेंटेड है, मैं उनको जब कोड आपको दूंगा तो वो मैं रिमूव कर दूंगा और वो आप लोगों ने खुद ऐड करनी होगी। डॉक्यूमेंट पीडीएफ तो है इसमें चल रहा है, टेक्स्ट फाइल के लिए और सीएसवी के लिए आप लोग काम खुद करोगे, इसके अंदर चीज़ें ऐड करोगे। तो ये फंक्शन है, ये पीडीएफ रीडर का फंक्शन मुझे कहाँ से मिला, लैंगचन ने दे दिया। यहाँ पे पीडीएफ का जो भी फाइल आएगी वो इधर इसमें आएगी, पीडीएफ वाला उसको टेक्स्ट रीड करेगा, ये टेक्स्ट मुझे रिटर्न कर देगा, सिंपल सी चीज़, ठीक है। ये टेक्स्ट मुझे रिटर्न हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था, मैं वापस उस जगह पर चला जाता हूँ कि जब टेक्स्ट का मैंने सारा फाइल का सारा मैंने टेक्स्ट ले लिया तो अगला मेरा क्या था, चंक बनाने थे। चंक बनाने के लिए मेरे पास ये फंक्शन था जिसके अंदर मैंने सारी बताई हुई थी कि चंक कितने टेक्स्ट, उसके अंदर साइज़ क्या होना चाहिए 900, उसके अंदर ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए 100 उसकी, और उसकी जो लेंथ है वो भी हमें साथ मिल दी जाएगी कि कितने चंक्स हमारे पास बन रहे हैं। वापस आ जाते हैं, जब ये काम भी आपका हो गया, फाइल के चंक्स बन गए, तो अगला काम क्या था, एम्बेडिंग्स बनानी थी। एम्बेडिंग्स बनाने के लिए आपके पास ये देखें जनाब, ये गेट वेक्टर स्टोर वाला फंक्शन कॉल होना था, उसके अंदर आना था, पहली लाइन में लिखा हुआ जनाब हगिंग फेस की इम्बेडिंग्स, हगिंग फेस की इम्बेडिंग्स आपके पास बन जानी थी, वो इस इम्बेडिंग्स वाले वेरिएबल में स्टोर होनी थी, और वहाँ से वो इम्बेडिंग और जो टेक्स्ट आपने रीड किया है चंक्स में मौजूद है वो आप फाइल्स हमारी जो वैक्टर डाटाबेस है, वैक्टर स्टोर है, उसको आपने दे दिया और आपकी डाटाबेस क्रिएट होगी। उसके बाद ये होना था कि आपके पास क्योंकि LLM भी आपको चाहिए, मैंने क्या किया कि गेट कन्वर्सेशन चेन, ये मैंने लैंग चेन से मतलब लैंग चेन की फंक्शनैलिटी मैंने यूज़ करनी है ताकि मेरा LLM, मेरी जो वेक्टर स्टोर है, ये तमाम चीज़ें कनेक्ट हो जाएं। मैंने ये एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, चैट ओपन AI का LLM मैंने यूज़ किया, मैंने बता दिया। और यहाँ पर एक चीज़ गौर करें कि मैं 16K बड़ा वाला मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो छोटा मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी होगी, ज़रा ज़्यादा आप चैट करेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट उसका लूज़ हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर मैंने 0 रखा हुआ है, और कन्वर्सेशन बफर मेमोरी ये एक फंक्शनैलिटी है, ये मुझे कहाँ से मिल रही है, लैंग चेन से मिल रही है, अभी अभी आपको दिखाऊंगा। आप जब फ्री हो तो मैं मैसेज करिएगा, सुबह फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ जी, इंशाल्लाह। ओके सर, ये ज़रूरी है बहुत बच्चों के लिए, बच्चे परेशान होते हैं बाद में, ठीक है। ओके, आगे कन्वर्सेशन रिट्रीवल चेन है, कन्वर्सेशन रिट्रीवल चेन है, और उसके अंदर क्या क्या हम मेंशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चेन के अंदर हम मेंशन कर रहे हैं LLM को,
हम मेंशन कर रहे हैं वेक्टर स्टोर को और जो मेमोरी है हमारी, ठीक है। मेमोरी क्या है? मेमोरी हमारी ये है कि जो चैट हमारी हो रही है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो उसमें स्टोर होता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि मेमोरी की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और वो डिफरेंट वेज में काम करती हैं। ये लैंगचेन की वेबसाइट खोल के मैं आपको थोड़ी देर में बस दिखाता हूँ। ये आपका फंक्शन है जहाँ पे वो यूज़र से इनपुट, आपके सामने स्क्रीन पे इनपुट फील्ड शो करता है, उस पर एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि यूज़र की इनपुट फील्ड है। यहाँ पर आपका रिस्पांस है कि जो रिस्पांस आपका है वो यूज़र को स्क्रीन के ऊपर आपने शो करना होता है। जो भी आपका मैसेज है वो आप उसको स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस जो है वो स्टोर शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका ओवरऑल एक कोड है। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने क्योंकि क्विक रखी हैं, वो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो एक एक लाइन आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देगा। मेन आप एक चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी है वो ये कि मैं सिंपल सर्च करता हूँ गूगल पे जाके लैंगचेन, ठीक है जी। लैंगचेन पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास पहला लिंक आ गया था और ये मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये चीज़ आ गई। ये मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, ये मेरे पास मज़ीद स्क्रीन खुल गई। और यहाँ पर देखें आपके पास आपको रिट्रीवल्स की एक ऑप्शन शो हो रही है। इस रिट्रीवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट लोडर दे रहा है। डॉक्यूमेंट लोडर पे आप जब मज़ीद क्लिक करेंगे आपको क्या आ रहा है? सीएसवी लोडर। सीएसवी लोडर के अंदर कोड लिखा हुआ सारा, नीचे उसको बताया हुआ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फाइल डायरेक्टरी आपने कोई देनी है, पूरी डायरेक्टरी आपने रीड करवानी है वो दी हुई है। पीडीएफ जैसे अभी हमने रीड किया है, ठीक है, पीडीएफ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो पीडीएफ को किस तरह से आपने यूज़ करना है वो आ जाएगा। नीचे इसने ये देखें बताया भी हुआ है फाइल्स को यूज़ किस तरह करना है, कोड सारा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। ये रिट्रीवल आ गए। इसके बाद आपके पास चेन्स हैं, मेमरीज हैं, और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ रिट्रीवल्स के अंदर ही मज़ीद वेक्टर स्टोर्स रिट्रीवल्स। अब यहाँ पर आपके पास ये रिट्रीवर्स आ गए। देखिए रिट्रीवर्स की आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मल्टी क्यूरी रिट्रीवर आपके पास मौजूद है, कॉन्टेक्चुअल। आप इस सेक्शन को जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपके डायग्राम आर्किटेक्चर के साथ सारा कोड मौजूद है कि आपने क्यूरी करनी है, क्यूरी करने के बाद आपके पास किस तरह का जवाब आना चाहिए, साथ उसके वो भी आनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट है जिसमें से आ रहा था टेक्स्ट आ रहा था, कन्वर्सेशन मेमोरी, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। हरीश भाई जी सर, बेटा कल के लिए माजरत, आपको बैठना पड़ा, हमने आपको स्क्रीन पर नहीं आने दिया। चलें जी, मैं ये इसी चीज़ का वेट कर रहा था, मैं फिर यहाँ पे ब्रेक लगा लेता। ओके तो इन शॉर्ट ये लैंगचेन की वेबसाइट पे आप जाएंगे, तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। अब आपने इसको एक्सप्लोर करना है, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करना चाह रहा था लेकिन तो एज़ यू नो हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो हमने उसमें चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं ये वाली जो स्क्रीन है हम अपनी अब अनशेयर कर देते हैं। अब ओवर टू यू सर। ओके मैं पानी पी लेता हूँ।